तमिलनाडु जाते जाते मनीष कश्यप ने दो राज्यों की पुलिस के बीच से चीख कर बोली अपनी बात। मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस ले गई अपने साथ। जाते जाते मनीष कश्यप बोल गए बड़ी बात। हवाई जहाज से तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को ले गई साथ। बिहार पुलिस भी आई हवाई अड्डे। दोनों राज्यों के पुलिस के बीच से चीख चीख कर मनीष कश्यप ने कैमरे के सामने अपने पक्ष में रखी बात। अब ये लड़ाई आप लोगों को भी लड़ना है। आपके ऊपर जो आरोप है वो सही है क्या? वो पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल आरोप। आपने कहा कि कई नेता के भी नाम है आपने लिए हैं, शायद किसी नेता के नाम। सब झूठ है, पॉलिटिकल आरोप लगाया जा रहा है बस। मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ ले गई। इधर दो राज्यों के पुलिस के बीच से मनीष कश्यप ने चीख चीख कर अपने पक्ष में बात रखी। चारों तरफ से पुलिस से घिरे मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया गया। बिहार में लंबी पूछताछ के बाद अब मनीष कश्यप से तमिलनाडु में गहन पूछताछ होगी। त्रिपुरारी कुमार तिवारी और मनीष कश्यप की मुश्किल अब और बढ़ गई है। वो अब अपने राज्य से बाहर ले जाए जा चुके हैं, जैसा कि तमिलनाडु प्रकरण में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यही कारण है तमिलनाडु पुलिस भी सघन जांच करना चाहती है। गिरफ्तारी के बाद से मनीष कश्यप बिहार के रिमांड होम में थे, फिर जेल भी भेजे गए थे। अब तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लिया है, जिसके बाद मनीष कश्यप ने कहा है ये पहली बार है जब कोई पत्रकार ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया हो। तमिलनाडु पुलिस आज उन्हें हवाई मार्ग से अपने प्रदेश ले गई, जिस दौरान बिहार पुलिस भी हवाई अड्डे पर मौजूद रही। वहीं दो राज्यों की पुलिस के बीच से मनीष कश्यप ने मीडिया से बहुत कुछ कहना चाहा। हालांकि उन्हें सीधे तौर पर मीडिया से मुखातिब होने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन पुलिस कर्मियों के बीच से मनीष कश्यप ने अपनी बात रखी। भरसक की गिरफ्तारी के बाद पहला मौका था जब मनीष कश्यप मीडिया के सामने आकर कुछ बोल रहे थे। जब मीडिया की तरफ से उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया गया तो मनीष कश्यप का कहना था उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। मनीष कश्यप ने कहा आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और देख सकते हैं, अभी भी सारा वीडियो वही है। वहीं आगे मनीष कश्यप ने कहा ये सब राजनीतिक खेल है, उनको फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा मुझे बिहार के नेताओं पर भरोसा नहीं है, लेकिन न्यायालय जरूर सच का साथ देगी। साथ ही मनीष कश्यप ने चिल्लाते हुए कहा कि बिहार आज नहीं तो कल, मगर बदलेगा जरूर, मेरे साथ राजनीति हो रही है। इस बीच पटना एयरपोर्ट पर मनीष कश्यप ने कहा कि ना तो बिहार पुलिस ने उनके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है और ना ही तमिलनाडु पुलिस ने उनके साथ अब तक कोई दुर्व्यवहार किया है। मगर मनीष कश्यप ने बिहार की राजनीति पर सवाल खड़े किए हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि यह पहली बार हो रहा है किसी पत्रकार को हथकड़ी लगाई गई है और ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। बता दें ट्रांजिट रिमांड अभियुक्त का रिमांड है, फिर चाहे वो जेल में हो या बाहर, इस रिमांड को पुलिस लेती है ताकि अभियुक्त को अपने हिरासत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके। बता दें मनीष कश्यप को फर्जी वीडियो दिखाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जैसा कि मामला तमिलनाडु से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां की पुलिस ने मनीष को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। वहीं बिहार पुलिस भी अपनी तौर पर पक्के सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। जरूर इतना भरोसा है, जरूर बदलेगा। और तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कहीं पर बवाल नहीं है, बिहार पुलिस ने भी मेरे साथ कहीं कुछ गलत नहीं किया है। तमिलनाडु पुलिस मेरे साथ कोई भैया भटीन थोड़ा सा टोपी आ रहा आपका, विजुअल हम लोग का बनने दें थोड़ा सा। ट्रांजिट डिमांड जो है भारत में पहली बार पत्रकार के साथ ऐसा किया गया। अरे आप गलती हुई है, कोई गलत वीडियो नहीं बनाया है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। बात तो हमारा सब कुछ क्या आपको फंसाया जा रहा है पॉलिटिकली, आपने आरोप लगाया है? भरोसा है मुझे बिहार पुलिस से। क्या आपने फर्जी वीडियो वायरल किया है? गलत बात है, आपके देख सकते हैं। मैंने बोला है कि बिहार के मजदूरों पर क्या तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है? तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार हुआ है?